अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ माश की रखना। माश की दाल में जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है बताती हूँ। इसमें हमने आधा किलो माश की दाल ली है, इसको मैंने भिगो दिया था, तकरीबन 4-5 घंटे भिगी रही है ये। और प्याज है मेरे पास, 2 बड़े साइज़ की प्याज है, लार्ज साइज़ की ऑनियंस हैं, 2 टमाटोज़ हैं, 3 टमाटोज़ हैं मीडियम साइज़ के, 4-5 ग्रीन चिली हैं, इसमें गार्लिक है, मैंने चॉप्ड गार्लिक लिया है। अगर आप चॉप नहीं डालना तो आप इसकी पेस्ट डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। कोरिएंडर है मेरे पास, हरा धनिया, और जी ये मेरे पास अदरक है, जिंजर पाउडर, जिंजर है कटी हुई ऐसे, और ये मेरे पास चिकन क्यूब्स हैं जो मैं डालूँगी 1 पैकेट। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया है इसमें कुटा हुआ, मेथी है इसके अंदर 1 टीस्पून, सॉल्ट है इसके अंदर 1 टीस्पून, क्यूमन सीड्स हैं इसमें, ज़ीरा है इसमें 1 टेबल स्पून, गरम मसाला, मेरी वीडियो चेक कर लीजिएगा ये गरम मसाले की, ये भी 1 टीस्पून, क्रश चिल्ली है इसमें, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें, ऑयल हमें चाहिए तो मैं अपने रखती हूँ, बनाना बताती हूँ आपको। ये सारी मैंने नीचे अपना बनल ऑन कर दिया है, अब नीचे इसमें दाल में डाल देती हूँ, 1/2 किलो जो मैंने भिगोई हुई है। दाल डालने के बाद इसमें पानी डालते हैं, इसको बॉईल करना है आपने, मतलब खिली खिली सी पके, तो इसलिए इसको 90% आप कर लीजिएगा, फिर मसाले के बाद इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। भीगी हुई है तो फिर पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े से पानी में ही हो जाएगी, इतना पानी काफ़ी है। मीडियम इसके आँच पे, हल्की आँच पे इसको रख देते हैं, कवर करके। अच्छा, इसमें ज़रा सा सॉल्ट डाल देते हैं, ये सॉल्ट है मेरे पास, मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, चला गया थोड़ा। और ये जो चिकन क्यूब्स हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस इससे तो चिकन का यखनी जैसा टेस्ट आ जाता है दाल में, तो अच्छी लगती है। तो ये आप इसके बॉयल करते वक्त ही डाल दें नमक, और ये तो मिक्स कर देते हैं नमक को। हाँ, अब इसको मैं ना 15 मिनट के लिए रखती हूँ, तो इधर हम अपना मसाला भी बना लेते हैं जब तक ये गलेगी। मैंने इसमें 3 serving spoon ऑयल डाल दिया है, आप बेशक ऑयल ले लें, या ओलिव ऑयल में बनाएं, या असली घी जो होता है उसके अंदर बना लें, बटर में बना लें, बट मक्खन में ज़्यादा अच्छी लगती है ये। मैं इसके ऊपर बाद में असली घी डाल दूँगी। मैं प्याज इसमें डाल देती हूँ, इसका मसाला हमने अपनी गला में रख दिया, इसका मसाला बना रहे हैं। इसमें ये अदरक जो कटी हुई है थोड़ी सी डाल देते हैं, थोड़ी गार्निश के लिए रख लेते हैं। गार्लिक चला जाएगा, इसको जरा सी देर इन तीनों चीज़ों को फ्राई करते हैं। ये देखिए जी, पिंक कलर की होने लग गई प्याज हमारी फ्राई, अब पिंक करने में जब इस कलर में हो जाए तो आपने अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हैं हमारे वो डाल देते हैं। 2 मिनट इनको फ्राई कीजिएगा, 2 मिनट इसको फ्राई कीजिएगा ताकि सारे मसाले वगैरह इसके अंदर फ्राई हो जाए। ज़रा सा हरा धनिया जो है हमारे पास, हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर ताकि हरा धनिया की खुशबू आ जाए। 2 हरी मिर्चें डाल दें, ज़रा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम अपने टमाटर जो हैं हमारे वो इसमें डाल देते हैं। अब इसको इसका पानी ड्राई करेंगे, जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा तो हमारी ग्रेवी तो मसाला रेडी हो जाएगा, और दाल को फिर जब ये कुक हो जाएगी तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए मेरा मसाला जो है इतना रेडी हो गया है बिल्कुल, इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं, और उसके बाद ये करेंगे कि हमारा दाल हमारी देखिए गल रही है, इस तरह की हो गई है। जब दाल हमारी गल जाएगी तो मैं इसको मसाले को उसमें मिला दूँगी। अभी मैंने इसका मसाले का तो चूल्हा बंद कर देते हैं, बाकी दाल हमारी स्टीम पे अभी हो रही है। जी देखिए, ये ना मैंने दाल मेरी हो गई है कुक, इसमें आपको दिखा
खाती हूँ कि ये ऐसे खिली खिली सी हो, ज़्यादा ना नरम नहीं होनी चाहिए। ये देखें ऐसा दाना हो इसका, और आप इसको जब ऐसे करें तो ये ऐसे टूट जाए। अब इसके अंदर हम लोग मसाला मिलाते हैं, सारा मसाला इसके अंदर डाल दें। मसाला अगर आपने ज़्यादा रखना है तो आप इसके अंदर टमाटर ज़्यादा कर दें, एक टमाटर ज़्यादा कर दें, एक प्याज ज़्यादा कर दें, लेकिन ये बिल्कुल सही है। इसके बाद इसको सारा मिक्सअप करके थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करते हैं, क्योंकि इसका पानी सारा खुश्क हो गया। अब ये इसकी स्टीम में ही जो भी इसकी कसर है बंद कर दूंगी जब मैं फ्लेम, तो इसको ये 5-10 मिनट, 5 मिनट अगर बंद रहेगा तो उसके अंदर ही ये कुक हो जाएगी। ये देखें दाल रेडी है, अब इसे डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गार्निश कर लिया इसको, उसके ऊपर अदरक डाल दिए, हरा धनिया डाल दिया। अब ये आप इसके ऊपर ज़रा सा, आपके पास बटर है तो बटर डाल दें, वरना असली घी लगा दें डाल दें। तो ये रेडी है, इसको खाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और जो भी हो मुझे ज़रूर बताएं। उसके दुआ में याद रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।